नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 17 सितंबर 2018 से 23 सितंबर 2018 तक की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज़ का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार आप ज़रूर अनअकैडमी पर मेरे अपलोड किए गए कोर्सेज़ को देखिए, फिर जाके आपको अच्छा लगे तो तब जाके आप मुझे फॉलो कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं अनअकैडमी पर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का एक बार ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और दोस्तों, मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा जिसमें लास्ट वीडियो में जिन्होंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड तरीके से उत्तर दिया था, उनका जो नाम है वो कल की वीडियो में यानी कल की करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। ये आपका वीकली करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया कि वर्ष 2025 तक मशीनें मनुष्यों की तुलना में अधिक काम करेंगी। तो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में किस शहर में ऑड इवन स्कीम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दो पहिया वाहनों एवं महिलाओं को छूट प्रदान की। दोस्तों, आपका सही उत्तर है दिल्ली, और दिल्ली की जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो आपके उपराज्यपाल हैं वो हैं आपके अनिल बैजल जी, और अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बदल गए हैं, तो वो कौन है, वो हैं आपके जस्टिस रंजन गोगोई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वर्ष 2017 से शिशु मृत्यु दर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई। तो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वर्ष 2017 में शिशु मृत्यु दर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में सरकार द्वारा 3 बैंकों के विलय की घोषणा की गई, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा तीसरा बैंक कौन सा है। तो उस बैंक का नाम है आपका विजया बैंक, और मैंने आपसे बार बार बोला कि एग्जामिनर आपसे तीनों बैंक के बारे में पूछ सकता है, तो आपको तीनों बैंक भी याद होना चाहिए, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन को निम्नलिखित में से किसने खरीदा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है मार्क बेनियोफ। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन को किसने खरीदा, मार्क बेनियोफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश से आयात होने वाले 200 अरब डॉलर के माल पर 10% शुल्क लगाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है डी, चीन। कौन सा देश है, चीन। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ली केकियांग, और चीन के जो आपके मुद्रा है वो है आपकी युआन, राजधानी आप सभी जानते हैं बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद ने कितने करोड़ रुपए के स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो जो दोस्तों, आपका सही उत्तर है 9100 करोड़। कितने दोस्तों, 9100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किस देश के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान के बीच सीरिया के इदलिब प्रांत में डीमिलिट्राइज्ड यानी कि सेना हटाना जोन बनाने पर सहमति बनी है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, रेचप तैयब एर्दोगान, और तुर्की की राजधानी कौन है, अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस देश की सरकार ने कहा है कि वर्ष 2019 में सिर्फ 30,000 शरणार्थियों को देश में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी, जबकि वर्ष 2018 में ये संख्या 45,000 है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति आप सभी जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बेटी का नाम भी आप सभी जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्र सरकार ने किस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान से विलंब करने वाले राज्यों और सीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल कर लिया। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल के क्षेत्र में जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है तीसरा। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI स्किल के क्षेत्र में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, आपका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि KN व्यास को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले केवल एक चौथाई बच्चे ही सामान्य वाक्यों वाली छोटी कहानी पढ़ने और समझने में सक्षम है? दोस्तों उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक गैर रोमानी समय में नामक काव्य संकलन के रचयिता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो दोस्तों उनका नाम है विष्णु खरे। जी हाँ दोस्तों, एक गैर रोमानी समय में नामक काव्य संकलन के रचयिता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है विष्णु खरे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।